Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hi again. Welcome to Tulo's Education. I'm Dr. Sheetal Puri and today's topic of discussion is upper respiratory tract. Bahut interesting session hone wala hai. So with lots of motivation and positive energy, let's get started. Okay, so kya kya samajhne wale, kya kya cover karne wale aaj ke video mein? Nasal cavity, uske pass and ek ek part ka function, internal layers and uvula. Then we'll study what is pharynx, समझेंगे एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से, उसके एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए एक एक पार्ट में. ऑल राइट, देन एट द एंड टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच आर स्नोरिंग एंड स्नीजिंग. आगे बढ़े. ओके, सो सबसे पहले डायग्राम से समझिए, ठीक है. हमारी पिक्चर मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है. एक एक चीज़ जब हम डायग्राम से देखते हैं और समझते हैं ना, तो हम लोगों को लाइफ टाइम याद रहती है. चलिए, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक्सटर्नल नियर से, जो कि होते हैं आपके नॉस्ट्रल्स. हम इसको टेक्स्ट वाइज भी पढ़ेंगे, सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं. एक्सटर्नल नियर्स, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बाहर. अब इनको नॉस्ट्रल्स को हम एक्सटर्नल नियर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है. एक्सटर्नल नियर आपके लीड कर रहे हैं एक कैविटी में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नेजल कैविटी. ऑल राइट, नेजल कैविटी बोल रहे हैं. अब टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है. सो नॉस्ट्रल्स हम एक्सटर्नल लेयर्स क्यों पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल ओपनिंग है, दीज आर होल्स ऑफ द नोज एंड पेयर्ड ओपनिंग्स है. किस में लीड करेंगे? नेजल कैविटी में लीड करेंगे. अब जो दो आपकी नेजल कैविटी है, ये सेपरेटेड है आपके नेजल सेप्टम से. और नेजल सेप्टम के बारे में बहुत अच्छी बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि ये एक बहुत थिन कार्टिलेजनस एंड बोनी मीडियन वर्टिकल पार्टीशन है. मीडियन मतलब बीच में, वर्टिकल मतलब यू अंडरस्टैंड. तो बीच में एक वर्टिकल पार्टीशन है जो कि कार्टिलेज एज वेल एज बोन दोनों चीज़ों से बना है. अगर आपको क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ओनली कार्टिलेज, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लैरिंग्स का स्ट्रक्चर 3D मॉडल से. लेकिन जी आपका पूरा जो लैरिंग्स है ना, वो कार्टिलेज से बना होता है. अब नेजल कैविटी के तीन पार्ट समझते हैं. नेजल कैविटी के तीन पार्ट्स आपके जो है वो फंक्शन के बेसिस पे 3 पार्ट्स हम लोग डिवाइड करते हैं. स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर नॉट डिवाइडेड स्ट्रक्चरली, प्लीज रिमेंबर. आपका पहला पार्ट होता है वेस्टिबुलर पार्ट, जिसको हम फिल्ट्रेशन अपैरेटस बोलते हैं. फिल्ट्रेशन अपैरेटस क्यों बोलते हैं, अभी हम समझेंगे. पहले समझते हैं कौन सा वाला एरिया आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. आई एम श्योर ये वाला जो एरिया आपका पोस्टीरियर के जस्ट आपका एरिया जो नॉस्ट्रल्स के जस्ट पोस्टीरियर है, ठीक है, इट इज़ द एरिया विच इज़ जस्ट पोस्टीरियर टू योर नॉस्ट्रल्स, वो आपका वेस्टिबुलर पार्ट है, ठीक है. इट इज़ लाइंड विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेम सेल्स दैट मेकअप आर स्किन, ओके, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. बिकॉज ये क्या है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे जो हमारी स्किन के पास है. इसीलिए इसमें वही सेल्स होंगे जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, विच आर दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा वर्ड का मतलब क्या होता है? इन लेयर्स. तो लेयर्स ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ओके. चलिए, अब फिल्ट्रेशन अपैरेटस क्यों हमने बोला इसको, क्योंकि इस एपिथीलियल लाइनिंग में आपके लार्ज नोज हेयर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विब्रिसे, ओके. और एक एक विब्रिसे के पास एक एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करेगी? वाइल वी आर इनहेलिंग, बहुत सारे एयरबॉर्न पार्टिकल्स जैसे डस्ट है, ये आपके एडहेयर कर जाएंगे इस म्यूकस लाइन विब्रिसे से, चिपक जाएंगे, ताकि ये आगे डीपर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज में ना जा पाए. इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन पार्ट बोलते हैं. वेरी क्लियर? ऑल राइट, हमने ये फंक्शन देख लिया. अब सेकेंड पार्ट पर आ जाइए. सेकेंड पार्ट है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट. अब रेस्पिरेटरी पार्ट को एयर कंडीशनर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, हम अभी समझेंगे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. उससे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा एपिथीलियम प्रेजेंट है इसके अंदर. इसमें प्रेजेंट है आपका सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम. प्लीज रिमेंबर सीलिएटेड, ठीक है. सीलिएटेड सीलिया होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है. अब हम इसको फॉल्स स्ट्रेटा, फॉल्स लेयर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये देखिए इरेगुलर साइज एंड इरेगुलर शेप के सेल्स हैं यहाँ पे,
ओके तो जब हम इसको स्टेन करेंगे तो कुछ न्यूक्लियस आपके बेसल पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड दिखेंगे, कुछ न्यूक्लियस आपके अपर पार्ट में दिखेंगे. तो ऐसा लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमें दिख रही हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है सेल्स की. बट ऐसा नहीं है, इनके शेप की वजह से और साइज की वजह से अलग अलग पार्ट्स में इनके न्यूक्लियस दिखते हैं. इसलिए इनको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम. ऑल राइट, एंड इट इज़ अ सिंगल सेल लेयर होगी. इनके अंदर गॉबलेट सेल्स भी होंगे जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन बनाएंगे, प्रोटेक्शन देंगे. ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वाले पार्ट का, दैट इज कॉनके. कॉनके क्या है, एक डायग्राम दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, 3D, आप अच्छे से समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे. पहले ये पढ़ लेते हैं. कॉनके क्या है, आपके स्क्रॉल शेप बोनी एलिमेंट्स है, ठीक है, फोल्ड्स हैं, ठीक है. इस वाले पार्ट में बोनी फोल्ड्स हैं आपके, जिनको हम टर्बिनेट्स भी बोल रहे हैं. टर्बिनेट्स के पास क्या होता है, बहुत रिच वैस्कुलर सप्लाई होती है. और ये कॉनके क्या है, अब मैं डायग्राम दिखाई देती हूँ आपको. ओके, जस्ट लुक सो ब्यूटीफुल डायग्राम, हर एक को अच्छे से समझ में आने वाला है. ये डायग्राम आपने शायद ही कहीं देखा हो, इसे समझने के लिए अब देख रहे कैसे फोल्ड्स प्रेजेंट है, ये फोल्ड्स प्रेजेंट है आपके, राइट. अब ये फोल्ड्स क्या काम करेंगे, इनके पास रिच वैस्कुलर सप्लाई है, आप समझ गए. कोई भी फोल्ड होता है वो क्या काम करता है, जैसे आपकी विलाई है, राइट, आपकी विलाई है वो फोल्ड है, तो वो आपका क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे. अब दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हम बहुत ठंडी एयर इनहेल करें या बहुत गर्म एयर कई बार इनहेल करें. अगर डायरेक्टली हम इन्हें रेस्पिरेटरी पैसेज में जाने देंगे ऐसी एयर को, तो क्या होगा, हमारी एल्वियोलाई को नुकसान पहुंच सकता है, एल्वियोलाई कैन गेट डैमेज, राइट. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कैसे काम करेगी, ये देखिए, रेस्पिरेटरी पार्ट में दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बहुत वार्म एयर आप इनहेल कर रहे हो या कोल्ड एयर इनहेल कर रहे हो. जब आप वार्म एयर इनहेल करोगे तो क्या होता है, जो आपकी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है, गॉबलेट सेल्स है, वो क्या करेंगे, म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, और जो वाटर आपका प्रेजेंट है म्यूकस में वो इवेपोरेट कर जाएगा. एंड व्हेन इट विल चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट, तो क्या होगा, इट विल अब्सॉर्ब द लेटेंट हीट एंड ब्रिंग द एयर टू योर बॉडी टेम्परेचर. वेरी सिंपल. ऐसे ही जब हम बहुत ठंडी एयर इनहेल कर रहे हैं तो क्या होगा, इन टर्बिनेट्स में बहुत रिच वैस्कुलर सप्लाई है, तो क्या हीट रेडिएट होगी वैस्कुलर सप्लाई से, डेफिनेटली होगी हीट रेडिएट होगी इस वैस्कुलर सप्लाई से, और आपकी एयर आपके बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगी. ग्रेट, अब समझ में आया हम इसको एयर कंडीशनर क्यों बोल रहे हैं. चलिए वापस आते हैं. अब हम जब एयर इनहेल कर रहे हैं, ये टर्बिनेट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, वैस्कुलर सप्लाई का फंडा समझ लिया अब हमने. अब क्या है, देखिए एयर जो है ना डायरेक्टली भी ऐसे अंदर जा सकती है, लेकिन क्या हो गई, फोल्ड प्रेजेंट होने की वजह से इनके ऊपर स्वर्ल करेगी ऐसे, राइट, सिर्फ स्वर्ल होके राउंड राउंड होके जाएगी इनको पास करके, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा एयर को ह्यूमिडिफाई होने का, वार्म होने का. ओके, क्लियर, ये फोल्ड्स क्यों प्रेजेंट है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे हैं. चलिए अब हम इन कॉनके की, इन टर्बिनेट्स की हम लोकेशन समझते विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, आपको हमेशा याद रहेगा. अब देखिए ऑल्फैक्टरी पार्ट जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं. जब आपका तीन कॉनके हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर. जब आपका सुपीरियर कॉनके है, सुपीरियर टर्बिनेट है, वो किस पार्ट पे प्रेजेंट है, येलो वाला पार्ट, ऑल्फैक्टरी जो सबसे सुपीरियर प्रेजेंट है, सबसे ऊपर प्रेजेंट है. देन मिडिल एंड इन्फीरियर, ये दोनों के दोनों कॉनके आपके कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पार्ट में. ओके, अब याद रहेगा आपको, डेफिनेटली याद रहेगा. और ये आप वेस्टिब्यूलर पार्ट भी देख सकते हैं नॉस्ट्रल्स के जस्ट पोस्टीरियर. ओके, चलिए ऑल्फैक्टरी पार्ट. ये ऑल्फैक्टरी सेगमेंट के अंदर एक स्पेशलाइज टाइप का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम या निडेरियन मेम्ब्रेन. ये निडेरियन मेम्ब्रेन क्या करेगा, कुछ कोई भी केमिकल आपके अगर एयर में प्रेजेंट है तो इसको डिटेक्ट करेगा, स्मेल करेगा, बिकॉज इसके पास रिसेप्टर्स है सेंस ऑफ स्मेल के लिए. तो आपके नेजल कैविटी के क्या क्या फंक्शंस हो गए, इट ऑल्फैक्शन, ठीक है, फर्स्ट, देन फिल्ट्रेशन अपैरेटस एंड एयर कंडीशनर या ह्यूमिडिफिकेशन. ऑल राइट, वेरी क्लियर, नोज के फंक्शंस क्लियर. आगे बढ़ते हैं, इंजॉइंग दिस सेशन. आई होप नो बडी इज गोइंग टू गेट बोर्ड, नो बडी इज गेटिंग बोर्ड, आई विल नॉट गेट लेट यू गेट बोर्ड. ओके, दैट्स माई प्रॉमिस. चलिए इंटरनल नेयर्स, हमने एक्सटर्नल नेयर्स पढ़ लिया, अब इंटरनल नेयर्स देखते हैं. ये डायग्राम के थ्रू देखें दोबारा से, ये आपके एक्सटर्नल नेयर्स थे. अब एक्सटर्नल है तो एक इंटरनल ओपनिंग भी होगी नेजल कैविटी की. सो आपकी जो नेजल कैविटी की इंटरनल ओपनिंग है उसको हम बोल रहे हैं इंटरनल नेयर्स, ठीक है. ये इंटरनल नेयर्स हैं आपके,
ये देखिए, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, इंटरनल ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, और ये कहाँ खुल रही है, नेजोफैरिंग्स में। ये सारा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, हम टेक्स्ट फॉर्म में भी एक बार देख लेंगे। नेजोफैरिंग्स में खुल रही है आपकी इंटरनल लेयर्स, और ये देखिए ये क्या है आपका सॉफ्ट पैलेट, दिस इज योर हार्ड पैलेट, दिस इज योर ओरल कैविटी, राइट, दिस इज योर हार्ड पैलेट, दिस इज योर सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट का जो कोनिकल प्रोजेक्शन है, यहाँ पे कोनिकल जो नोड्यूल जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूला। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए टेक्स्ट से समझते हैं एक बारी। ऑल राइट, इंटरनल लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ओव्यूला को, जिसको हम कॉमनली पैलेटाइन ओव्यूला बोलते हैं या सिंपली ओव्यूला भी बोलते हैं, ये कोनिकल प्रोजेक्शन है फ्रॉम द बैक एज ऑफ द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, पैलेट आपका हार्ड पैलेट भी होता है, सॉफ्ट पैलेट भी होता है, जहाँ पे आपकी बोन प्रेजेंट नहीं होती, तो वहीं से आपका ओव्यूला अराइज करता है। अभी ओव्यूला का क्या फंक्शन है, जब हम स्वैलो करते हैं तो आपका सॉफ्ट पैलेट और ओव्यूला दोनों के दोनों ऊपर मूव हो जाते हैं। क्यों मूव करेंगे ऊपर, नेजोफैरिंग्स नोज में, नेजल कैविटी में खाना नहीं जाना चाहिए, राइट, तो उसको रोकने का काम करेंगे। एक बार देखें, चलिए ये आपका ओव्यूला है, ये कैसे, ये क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा ऐसे, और सॉफ्ट पैलेट भी आपका ऊपर मूव करेगा। तो इज इट वर्किंग टुवर्ड्स क्लोजिंग द नेजल कैविटी, नेजोफैरिंग्स, राइट, इट इज क्लोजिंग टुवर्ड्स, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स क्लोजिंग द नेजोफैरिंग्स, देयरफॉर प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द नेजल कैविटी। ओके, क्लियर। अब ओव्यूला भी देख लें, ये देखिए ये है आपका ओव्यूला, अब और अच्छे से कनेक्ट हो गया डायग्राम देख के कि ओव्यूला क्या है। ये वाला है आपका ओव्यूला, और उसके साइड में क्या प्रेजेंट, आपके टॉन्सिल्स, इनको हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, ये भी हम देखेंगे, फारिंग से कनेक्ट करेंगे इसको। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग सेशन। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे ट्रेकिया की, ईसोफेजेस की आपस में क्या पोजिशन होती है। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये आपका आगे वाला जो पार्ट है, जो आप अपने यहाँ पे पैल्पेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जो विंड, जो आपको पाइप आगे पैल्पेट हो रही है अपनी नेक में ना, ये ट्रेकिया है। एंड एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे लैरिंग्स को समझने से पहले, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे फील कीजिए, बोलते वक्त कुछ बोलते बोलते फील करना, ठीक है, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी कि क्या वाइब्रेट हो रहा है आपका, आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं जो आपके लैरिंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इससे आगे पहले बढ़े, आप समझ लेते हैं पोजीशन क्या है। ये आगे वाला जो है आपका, ये आपका ट्रेकिया है, विंड पाइप है, और इसके पीछे क्या है, ये आपका ईसोफेजस है, पीछे फूड पाइप। ओके, सो फूड पाइप पीछे, ट्रेकिया आगे, और ये आपका लैरिंग्स, राइट, लैरिंग्स जो होता है आपके ऐसे अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, राइट, ये आपका ट्रेकिया है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आपका ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के अपर पार्ट पे ऐसे आपका प्रेजेंट है लैरिंग्स, ठीक है, अपर पार्ट पे ट्रेकिया के लैरिंग्स प्रेजेंट है। पोजीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। जब इनकी ओपनिंग्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आगे वाला आपका ट्रेकिया है, इसकी ओपनिंग को हम बोलेंगे ग्लॉटिस, और जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये आपका एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ये आपकी ग्लॉटिस को कवर करेगा, ताकि आपके ग्लॉटिस में, ट्रेकिया में खाना ना जा पाए। ओके, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस आपकी ग्लॉटिस को ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है, टू प्रिवेंट फूड एस्पायरेशन। और आपके जो ईसोफेजस है ये पीछे वाला, उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं गलट, क्या बोलेंगे, गलट। ओके, इसकी पोजिशन समझ में आ गई, कैसे आगे वाला इज योर ट्रेकिया, राइट, विंड पाइप, पीछे वाला इज योर ईसोफेजस, फूड पाइप, एंड लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया पे, ये भी समझ में आ गया। ऑल राइट, सो ये वाला डायग्राम स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे प्लेस किया है आपको क्रॉसिंग पाथ, क्रॉसिंग ओवर, जो पाथ आपके क्रॉस हो रहे हैं फूड का और विंड का, हवा का, वो पाथ समझाने के लिए मैंने बताया। देखिए, एयर जो है आपके यहाँ से एंटर कर रही नोज से, और यहाँ से आप खाना खा रहे हैं, दोनों के पाथवेज यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ये देखिए पाथवेज क्रॉस हो रहे हैं। तो कभी अगर कोई खाना खाते वक्त बात करता है, राइट, मम्मी पापा मना करते हैं खाना खाते वक्त बात मत कीजिए, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब आप खाना खाते वक्त बात करते हैं, ये जो एपिग्लॉटिस है ना यहाँ पे, ये पूरी तरीके से ग्लॉटिस को कवर नहीं कर पाता है, तो इसके पार्शियल कवरिंग की वजह से जो हम खाना खा रहे हैं, अगर वो हमारी ग्लॉटिस में हमारे वोकल कॉर्ड्स को टच कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कफिंग रिफ्लेक्स होता है, खांसी आती है एकदम से। ओके, तो समझ गए, एपिग्लॉटिस की पार्शियल कवरिंग की वजह से कफिंग रिफ्लेक्स जो है वो आपका डेवलप होता है, और कैसे पाथवेज क्रॉस हो रहे हैं, वेरी क्लियर। आगे बढ़े, ओके,
फैरिंग्स, फैरिंग्स क्या है? यहाँ से भी हमने देखा दोनों का कॉमन पैसेज है फैरिंग्स, ठीक है? ओके, सो पार्ट्स ऑफ फैरिंग्स, फैरिंग्स समझ में आ गया आपको। अब हम पार्ट्स देखेंगे इसके, बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम एक्चुअली कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। नेजोफैरिंग्स हमने समझ लिया था, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये हम देखेंगे। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स, दिस इज योर नेजोफैरिंग्स, राइट, जहाँ पे आपकी इंटरनल लेयर्स खुल रही थी। देन ओरोफैरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ वाला, इसलिए ओरोफैरिंग्स बोल रहे हैं। लैरिंजोफैरिंग्स, यहाँ पे आपका लैरिंग्स आ जाएगा इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। ओके, सो नेजोफैरिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं ये देखिए। इट इंक्लूड्स बैक ऑफ द नेजल कैविटी एंड अपर थ्रोट। देखिए नेजल कैविटी का पोस्टीरियर पोर्शन जो बैक वाला पार्ट है वो आपका नेजोफैरिंग्स में आ गया। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे एडेनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट है आपके नेजोफैरिंग्स वाले पार्ट में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज याद रखिए। ऑल राइट, डायग्राम से याद रखना आसान है। तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ गई, बैक ऑफ द नेजल कैविटी एंड अपर थ्रोट, थ्रोट का ऊपरी भाग आपके नेजोफैरिंग्स में आ गया। अब यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना, ऑडिटरी ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो इसी पार्ट में ओपन होती है, प्लीज़ याद रखिएगा। जो आपका एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं आपके मिडल ईयर में, वो वाली ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब आपके नेजोफैरिंग्स में आके खुलेगी। इस पे नीट पे एक बहुत अच्छा वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आया था, तो आप जब भी वो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी आगे, तो उस क्वेश्चन को इधर से कनेक्ट कीजिएगा। ओके, चलिए, वेरी क्लियर। अब ओरोफैरिंग्स समझे, ओरोफैरिंग्स क्या है? ओरोफैरिंग्स आपका वो पार्ट है जो आपकी ओरल कैविटी को, ये देखिए ओरोफैरिंग्स, ये वाला ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ओरोफैरिंग्स वो वाला पार्ट है जो आपकी ओरल कैविटी को, ये ओरल कैविटी आ गई, यहाँ पे टंग आ जाएगी आपकी, दिस इज योर ओरल कैविटी, दिस इज योर नेजोफैरिंग्स। तो ओरल कैविटी और नेजोफैरिंग्स के आपके नीचे वाले पोर्शन पे, फैरिंग्स के नीचे वाले पोर्शंस को कनेक्ट करेगा, राइट। बेसिकली सिंपल सिंपल आपको समझ में आ रहा है, नेजोफैरिंग्स और ओरल कैविटी को आपके लैरिंग्स और हाइपोफैरिंग्स से कनेक्ट करेगा। अभी हाइपोफैरिंग्स क्या है, आप जानते हैं हाइपोफैरिंग्स क्या है, ठीक है? हाइपो का मतलब होता है नीचे, राइट, हाइपो का मतलब होता है नीचे, नीचे वाला फैरिंग्स का पार्ट, ऑल राइट, नीचे वाला फैरिंग्स का पार्ट। अभी हमने कौन से तीन पार्ट्स पढ़े थे फैरिंग्स के, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंजोफैरिंग्स। यस, हाइपोफैरिंग्स का दूसरा नाम इज लैरिंजोफैरिंग्स, ये आपका लैरिंजोफैरिंग्स है, ये देखिए ये आपका लैरिंजोफैरिंग्स है, और यहाँ पे आपका लैरिंग्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया पे आपका लैरिंग्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, चलिए ओरोफैरिंग्स आ जाएगा आपका, इट इज दिस पार्ट, द पार्ट ऑफ द थ्रोट विच इज एट द बैक ऑफ द माउथ बिहाइंड द ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट जो माउथ का है, इट इंक्लूड्स द बैक थर्ड ऑफ द टंग, यहाँ पे देखिए बैक थर्ड, वन थर्ड ऑफ द टंग, यहाँ पे टंग है आपकी, तो टंग का जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट होगा वो आएगा, आपका सॉफ्ट पैलेट आएगा, साइड एंड बैक वॉल ऑफ द थ्रोट, ये आपकी बैक वॉल है थ्रोट की, उसकी साइड एंड बैक वॉल आ जाएगी, और पैलेटाइन टॉन्सल्स, पैलेटाइन टॉन्सल्स हम देख चुके हैं, ये देखिए ओव्यूला के साइड में दीज आर दी टॉन्सल्स। तो ये सब पार्ट्स आपके फैरिंग्स में आ जाते हैं, ओरोफैरिंग्स में आ जाते हैं। अब हम यहीं से समझेंगे कि लैरिंजोफैरिंग्स क्या है, राइट, ये देखिए लैरिंजोफैरिंग्स, ये आपका लैरिंजोफैरिंग्स है, क्या हम बोल सकते हैं कि लैरिंजोफैरिंग्स वो वाला एरिया है जहाँ पे आपका फैरिंग्स एंटीरियरली, एंटीरियरली किस में, ट्रेकिया में, और पोस्टीरियरली ईसोफेजस में, राइट, डिवाइड हो रहा है। यस, सो लैरिंजोफैरिंग्स आपका वो वाला एरिया है जहाँ पे फैरिंग्स आपका एंटीरियरली लैरिंग्स में और पोस्टीरियरली ईसोफेजस में डिवाइड हो रहा है, वेरी सिंपल। चलिए, ओके, सो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं टू द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। स्नोरिंग, स्नोरिंग क्या होता है, लेमेन टर्म्स में खर्राटे भरना, बहुत इरिटेटिंग सी वॉइस होती है, ठीक है? कई बार कोई साथ में ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भर रहा हो तो बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली होता क्यों है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, अभी जब भी आप किसी को सुनेंगे ना खर्राटे मारते हुए, आपको पूरा ऐसा याद आएगा जो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आता है ये सब ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं। पता है जब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं ना, बायोलॉजी की सबसे खास बात यही है, जो आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, आप उसको डेली लाइफ में कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हर एक चीज़ को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था। ओके, सो
स्नोरिंग किस वजह से हो रहा है? स्नोरिंग क्या है आपका? ओविल और सॉफ्ट पैलेट जब आपके रिलैक्स कर जाते हैं, और इस हद तक रिलैक्स कर जाते हैं कि क्या कर देते हैं, ये पार्शियली आपके एयर वे को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इरेगुलर एयर फ्लो क्रिएट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है. ऑल राइट, सो अंडरस्टूड. अब नॉइस किससे प्रोड्यूस होगी? आपने क्या कर दिया, ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स आपके रिलैक्स हो गए, सॉफ्ट पैलेट भी, ओविला भी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एयर वे ब्लॉक हो जाएगा, पार्शियली ब्लॉक हो जाएगा. तो आपके वोकल कॉर्ड्स जब आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, आपके वोकल कॉर्ड्स और समटाइम्स ओविला आपका वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है. इसको हम स्नोरिंग बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट. इंजॉइंग, प्लीज लाइक. ऑल राइट, लाइक बनता है, बिल्कुल बनता है. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इट विल वर्क फॉर मोटिवेशन, राइट? इट विल वर्क लाइक ए मोटिवेशन टू मी. चलिए स्नीजिंग. स्नीजिंग क्या है आपका, हर किसी को पता है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये भी हम देखते हैं. अभी हमने नेजल कैविटी डिस्कस करी, राइट? अगर कभी क्या होता है, आप कभी बहुत, जैसे आपकी बहुत नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आपका एक रूम है, वहाँ से आप कभी ऐसे रूम में चले गए जहाँ पे एसी बहुत तेज़ चल रहा है, ठीक है, बहुत आपका टेम्परेचर एसी का काफ़ी डाउन है, तो क्या होता है, एकदम से छींक आती है. या फिर किसी के साथ ऐसा भी होता होगा कि एकदम से धूप में गए तो छींक आई, ठीक है, किसी ने काली मिर्च पेपर, ब्लैक पेपर छिड़क दिया तो छींक आ गए. अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आपके आपकी नेजल कैविटी के लिए एक इरिटेंट जैसा काम कर रही हैं, राइट? आपको कभी कोल्ड हो गया, एलर्जी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गई, तो these things are going to work as irritants for your nasal cavity. अब ऐसे वैसे में क्या होता है, आपका एयरवेज, आपकी जो नेजल कैविटी होती है, बॉडी आपके बिल्कुल एक्शन में आ जाती है, और क्या करेगी, वो इरिटेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, राइट? तो ऐसे ही आपकी म्यूकस सिक्रीशन आपके एस्केप करेंगी आपकी नोज और माउथ से, ठीक है? अब ये देखिए, स्नीजिंग क्या है, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन है. स्पास्मोडिक मतलब ऑकरिंग इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड ऑकरिंग सडनली, सर एकदम से छींक आती है, राइट? क्या होता है, आपकी एक्सपायरेशन की मसल्स जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. आप हवा बाहर निकाल रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, तो आपकी मसल्स की आपकी एक्सपायरेशन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है. और इस केस में क्या होता है, आपका सॉफ्ट पैलेट और पैलेट एंड ओविला, ये दोनों के दोनों आपके नीचे आ जाते हैं. सोचिए, ओविला भी नीचे आ गया, ओविला भी नीचे आ गया, और सॉफ्ट पैलेट भी आपका नीचे चला गया, राइट? तो क्या होगा, आपके माउथ को ये पार्शियली कवर कर पाएंगे, राइट? अब दोनों के दोनों इमेजिन कीजिए, ओविला भी नीचे आ गया, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया, सॉफ्ट पैलेट भी नीचे आ गया, ओविला भी नीचे आ गया, तो ये क्या करेंगे, आपके माउथ को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ पार्शियली ब्लॉक होता है. इसलिए जब आप छींकते हो तो क्या होता है, आपकी बहुत सारी जो सिक्रीशन है ना, म्यूकस सिक्रीशन, वो आपके मुंह से भी बाहर निकल जाती है, राइट? ओके, अब क्यों निकल रही है, आप ये भी समझ गए हैं. अब एक पते की बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, पते क्या है कि हम किस स्पीड से हवा बाहर निकाल रहे, पता है, 100 miles an hour. आप छींकोगे ना तो आप वैसे कनेक्ट कर पाओगे, बाप रे 100 miles an hour से हम बाहर निकाल रहे हवा, ओके. ऑल्सो एक बात और है, यू हैव टू टेक केयर वेन यू आर स्नीजिंग, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग, यू आर रिलीजिंग द इरिटेंट्स बैक इन टू द एयर. अगर आपको इन्फेक्शन है, कोई भी इरिटेंट्स है, आप उसको दोबारा एयर में रिलीज कर रहे हो, तो यू कैन इन्फेक्ट अदर्स ऑल्सो इफ यू आर हैविंग सम इन्फेक्शन. सो आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, टिश्यू से कवर करके चलिए, इतना पैंडेमिक चल रहा है. ऑल राइट, सो एन्जॉय इंटरेस्टिंग सेशन, राइट? प्लीज Do not forget to like, share and subscribe the video, because it's like motivation for me. जितने ज़्यादा likes होंगे, जितने ज़्यादा subscription होंगे, उतना ही ATP मुझे मिलेगा, right? All right. Till then, stay safe, stay happy and goodbye.